बॉलीवुड में तमाम ऐसे एक्टर रहे जिन्हें अदाकारी विरासत में मिली। यही देखते हुए उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने की सोची, लेकिन फ्लॉप साबित हुए। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा परचम लहराया कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। इस एक्टर का नाम है जावेद जाफरी। जावेद जाफरी मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टर के तौर पर फिल्म मेरी जंग से की, जो 1985 में आई थी। इस फिल्म का गाना बोल बेबी बोल जबरदस्त हिट हुआ, जिसमें उनकी डांसिंग स्किल्स को काफी सराहा गया। उनका डांसिंग स्टाइल उस वक्त लोगों के बीच एक क्रेज बन गया था। जावेद जाफरी ने इसके बाद तहलका का ओह डार्लिंग ये है इंडिया, अर्थ डबल धमाल, जजंतरम ममंतरम, सलाम नमस्ते, तारारम्पम, धमाल, सिंघिज किंग, तीन इडियट्स जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से कई फिल्मों में उनका साइड रोल रहा तो कुछ मल्टी स्टारर रही। इस लिहाज से ये फिल्में जावेद जाफरी को फिल्मों में स्टार के तौर पर स्थापित नहीं कर पाई। अपने पिता के नक्शे एकदम पर चलते हुए जावेद जाफरी ने फिल्मों में एंट्री तो ले ली थी, लेकिन वो अपने पिता जैसी लोकप्रियता और शोहरत नहीं बटोर पाए। जावेद जाफरी न सिर्फ एक एक्टर रहे हैं, बल्कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डांसर और कॉमेडियन भी हैं। दुनिया भर में लोग उनकी आवाज के कायल हैं। वो मिक्की माउस से लेकर गूफी और डॉन कार्नेज जैसे इंटरनेशनल कार्टून्स के लिए आवाज भी डब कर चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के पहले डांस रियलिटी शो बुगी वुगी की शुरुआत जावेद जाफरी ने ही की थी। इस शो को उन्होंने अपने भाई नावेद जाफरी के साथ मिलकर होस्ट किया। ये डांस शो आज तक का सबसे लंबा चलने वाला शो है। बुगी वुगी तकरीबन 15 सालों तक चला। दुनिया भर में जावेद जाफरी 200 से भी ज्यादा लाइव शोज कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने स्पाइस गर्ल्स, क्वीन और माइकल जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के अलावा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स के साथ स्टेज शेयर किया।